आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चार आपके मोबाइल की ऐसी खुफिया सेटिंग के बारे में जिसकी मदद से आप लोग अपने इंटरनेट को बचा सकते हैं। उसके अलावा आप जान सकते हैं कि कौन कौन सी ऐप आपके मोबाइल में एक्टिवेट है, कोई ऐसी ऐप तो आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं जो आपने इंस्टॉल ना की हो और वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो, मे भी दोस्तों वो आपके डाटे को हैक कर रही हो, आपके डाटे को कहीं अपलोड कर रही हो। आप जान सकते हैं सेटिंग की मदद से कि कौन सी आपके बैकग्राउंड में एक्टिवेट ऐप है। उसके अलावा अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को लॉक करना चाहते हैं विदाउट किसी ऐप के तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये कौन सी खुफिया सेटिंग्स है वो तो वीडियो में आगे चल के बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हो और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का बटन आ रहा होगा उसको दबा के सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आएगी उसको लाजमी दबाना। इसका फायदा ये होगा जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जल्द से जल्द देख पाएंगे, क्योंकि हम इस चैनल पर बेस्ट एंड्रॉइड ऐप्स टिप्स एंड ट्रिक्स लाते रहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं पहली सेटिंग की तरफ। अब पहली सेटिंग क्या है, इस सेटिंग की मदद से आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे, आपने सिंपल सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद आपने एडिशनल सेटिंग में जाना है। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको इधर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेफ्टी एंड प्राइवेसी का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे इधर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्क्रीन पिनिंग का, आपने इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपने इधर से इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद अब आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे, फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं अपनी व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूं। अब मैं चाहता हूं कि मेरी व्हाट्सएप लॉक हो जाए, उसके अलावा मेरे मोबाइल का कोई भी फंक्शन काम ना करे, जस्ट व्हाट्सएप ही ओपन रहे। उसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने मल्टीटास्किंग बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा उसके बाद मुझे एक पिन का ऑप्शन इधर देखने को मिल जाएगा, तो मैंने इधर पिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने पिन के ऑप्शन पर क्लिक किया तो देख सकते हैं मेरी स्क्रीन है वो पिन हो गया है। ना बैक बटन काम कर रहा है, ना दोस्तों होम बटन काम कर रहा है, कोई भी आपके मोबाइल का फंक्शन काम नहीं करेगा। उसके अलावा अगर मैं नोटिफिकेशन पैनल को डाउन करना चाहता हूं वो भी नहीं हो रहा, जस्ट मैं व्हाट्सएप भी चला सकूंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं चला सकता। इसी तरह दोस्तों आप किसी भी ऐप को इस तरह लॉक कर सकते हैं। अगर आपका फ्रेंड आपसे मोबाइल जस्ट मांगता है कॉल करने के लिए तो आप कॉल के कीपैड को लॉक करके उसको दे सकते हैं। अब बात रही दोस्तों इसको आपने अनलॉक स्क्रीन को किस तरह करना है, अनलॉक करने के लिए आपने मल्टी टास्किंग जो बटन है इसको आपने लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये अनपिन हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके फ्रेंड को पता लग भी जाता है कि इसको अनपिन किस तरह करना है तब भी दोस्तों वो आपके मोबाइल की किसी चीज को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही वो अनपिन करेगा तो आपके मोबाइल को लॉक लग जाएगा जो जस्ट आपको ही पता होगा, उसके अलावा किसी को भी पता नहीं होगा। तो ये थी दोस्तों खुफिया सीक्रेट सेटिंग जिसकी मदद से आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है यार। चलते हैं दूसरी सेटिंग की तरफ। अब दूसरी सेटिंग क्या है, इसकी मदद से आप लोग अपने मोबाइल पे मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और एडिशनल सेटिंग में चले जाना है। एडिशनल सेटिंग में जैसे ही जाएंगे इधर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्प्लिट स्क्रीन का, अगर ये ऑप्शन इधर से ऑफ है तो आपने ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों जो भी आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं उन टैब्स को आपने ओपन कर लेना है। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं व्हाट्सएप भी चलाना चाहता हूं और उसके बाद मैं ब्राउजिंग भी करना चाहता हूं। ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो मल्टीटास्किंग का बटन होता है आपने उस पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपको नीचे डिफरेंट टैब्स ओपन हो जाएंगे, जिस भी टैब को आप यूज करना चाहते हैं आपने उस पे क्लिक कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं क्रोम को यूज करना चाहता हूं तो मैंने क्रोम पे क्लिक कर दिया। अब दोस्तों इस ट्रिक की मदद से मैं अपनी व्हाट्सएप को भी इजीली यूज कर सकता हूं, उसके अलावा अगर मैं कोई ब्राउजिंग वगैरह करना चाहता हूं वो भी इधर मैं कर सकता हूं। तो काफी दोस्तों कमाल की सेटिंग लगी, काफी कमाल की ये मुझे ट्रिक लगी। अगर आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं या कोई ब्राउजिंग करना चाहते हैं और साथ चैट भी करना चाहते हैं तो आप इस सेटिंग की मदद से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। अब इस सेटिंग की मदद से आप लोग जान सकते हैं कि आपके बैकग्राउंड में कौन कौन सी ऐप एक्टिवेट है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, एडिशनल सेटिंग में चले जाना है। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद इधर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा सेफ्टी एंड प्राइवेसी का, आपने इस पर क्लिक
क्लिक कर देना है। सेफ्टी एंड प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद इधर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर का, आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे इधर जो भी आपकी ऐप एक्टिवेट होगी बैकग्राउंड में आपको इधर पता चल जाएगी कि कौन कौन सी ऐप आपके मोबाइल में एक्टिवेट है। अगर कोई दोस्तों ऐसी ऐप आपके मोबाइल में एक्टिवेट है जिसको आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किया तो आप इधर से उसको डिलीट भी कर सकते हैं और डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो काफी दोस्तों कमाल की ट्रिक है, इसकी मदद से आप लोग अपने मोबाइल के डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। चलते हैं अपनी फाइनल एंड लास्ट सेटिंग की तरफ। इस सेटिंग की मदद से आप लोग अपने इंटरनेट को बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप क्रोम पे बहुत ज्यादा ब्राउजिंग करते हैं तो आपका डाटा बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप क्रोम पे बहुत ज्यादा सर्चेज करते रहे लेकिन आपका डाटा बहुत ज्यादा कंज्यूम ना हो, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने क्रोम को ओपन करना है। क्रोम को ओपन करने के बाद आपने थ्री डॉट में जाना है। थ्री डॉट में जाने के बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको एक इधर ऑप्शन देखने को मिल जाता है लाइट मोड का, इसको आपने ओपन कर देना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे अगर ये ऑप्शन इधर से आपका ऑफ है तो आपने इधर से इसको ऑन कर लेना है। अब इसका क्या फायदा होगा, इसकी मदद से आप लोग अपने डाटा को कंज्यूम होने से बचा सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं मेरा 31 MB डाटा सेव हुआ है और 194 कंज्यूम है। इस तरह दोस्तों आप दिन भर में बहुत ज्यादा अपना डाटा को बचा सकते हैं अगर आप अपने लाइट मोड को इधर से ऑन कर देते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको इधर मैं बोनस टिप भी दे देता हूं जिसकी मदद से और भी ज्यादा आप अपने इंटरनेट को बचा सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने ड्यूल सिम एंड मोबाइल में जाना है। उसके बाद आपको इधर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है एप्स यूजिंग वाईफाई एंड मोबाइल डाटा। कुल मिला के आपने एप्स यूजिंग वाईफाई एंड मोबाइल डाटा के ऑप्शन को इधर से फाइंड कर लेना है। फाइंड करने के बाद आपने ओपन कर लेना है। इधर आपको सारी एप्स की लिस्ट देखने को मिल जाएगी कि कौन कौन सी ऐप आपका कितना डाटा कंज्यूम कर रही है। तो जो भी ऐप आपका ज्यादा डाटा कंज्यूम कर रही है और आप उसको यूज नहीं कर रहे तो आप इधर से उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों बैकग्राउंड इरेजर ऐप है, अगर मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूं मैंने सिंपल क्लोज के बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये जो ऐप है ये मेरे इंटरनेट को कंज्यूम नहीं करेगी। इसी तरह आपने लिस्ट में देख लेना है कौन कौन सी ऐप ज्यादा डाटा कंज्यूम कर रही है। जैसे कि देख सकते हैं क्रोम मेरा 2.03 GB इंटरनेट को कंज्यूम कर रहा है। अगर मैं इसको ज्यादा यूज नहीं करता तो मैं इधर से इसको क्लोज भी कर सकता हूं। तो काफी दोस्तों कमाल की ये ट्रिक है, इसकी मदद से आप लोग अपने इंटरनेट को बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारी ट्रिक पसंद आई होंगी, ये सारी सेटिंग्स पसंद आई होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को लाजमी दबाना। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके लाजमी बताना आपको सबसे अच्छी सेटिंग कौन सी लगी। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।